हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। शुरू करते हैं एक और यात्रा को, और आज हम लोग यात्रा करने वाले हैं कोटद्वार आनंद विहार ओवरनाइट ट्रेन जर्नी। और आप मेरे पीछे देख सकते हैं, किसी ज़माने में नीले हुआ करते थे, अब नॉर्मल उत्कृष्ट वाले ICF कोचेस। 282 किलोमीटर की यात्रा होने वाली है। रात को 10 बजे ट्रेन यहाँ से चलेगी, सुबह 4:30 वहाँ पहुँच जाएगी, तो 6-6.5 घंटे की यात्रा होने वाली है। और आप समझो कितनी स्लो जो है यात्रा होने वाली है। हमारी ट्रेन का आप देख सकते हो पावर अभी तक लगा नहीं है, तो पावर अभी लगेगी, वो भी एक थोड़ा सा शॉट लेंगे। स्टार्ट करते हैं इस यात्रा को और देखते हैं कितना मज़ा आता है। दोस्तों ओवरनाइट ट्रेन है, ट्रेन में एट प्रेजेंट भी 120 सीटें खाली है और 4 स्लीपर के डब्बे हैं। छोटी सी गाड़ी है और सिर्फ 3rd AC का एक डब्बा है, कोई 2nd AC, 1st AC, HA1 कुछ ही नहीं है। बड़ी अच्छी गाड़ी है, अगर आप कोटद्वार से ट्रैवल कर रहे हो ओवरनाइट तो आपको बड़ा मज़ा आएगा इस गाड़ी में। तो हमारी ट्रेन का जो है लोकोमोटिव आ रहा है, जो कि हमारी ट्रेन में कपल होगा अभी। हॉन्क आ चुका है, गाड़ी निकलने के लिए तैयार है। डिपार्चर दिखाते हैं आपको कोटद्वार से। तो दोस्तों हमारी कोटद्वार आनंद विहार रात के 10 बजे निकल चली है अपने डेस्टिनेशन आनंद विहार के लिए। दोस्तों इस रेलवे स्टेशन पर बस उतने ही लोग आपको मिलेंगे जो या तो इस ट्रेन में चढ़ने वाले हैं या किसी ना किसी को छोड़ने के लिए इस ट्रेन में जो आए हैं। और ये इस स्टेशन से टोटल 2 ही ट्रेन ऑपरेट होती हैं और दोनों ही दिल्ली की तरफ को जाती हैं, एक जनशताब्दी एक्सप्रेस और एक ये वाली ट्रेन। इसके अलावा 1-2 पैसेंजर ऑपरेट होती हैं जो कि यहाँ से बस नजीबाबाद जंक्शन के लिए जो है चलाई जाती हैं। दोस्तों बोलने के लिए ट्रेन जो है स्लो है, छोटी है, पर इसके जो इंटीरियर थे ना दोस्तों बहुत गजब के थे। अंदर से उत्कृष्ट इंटीरियर और बहुत अच्छे से साफ़ सुथरी ये गाड़ी जो है अंदर से बनी हुई थी। आप देख सकते हैं कोई कमी नहीं है साफ़ सुथरे के मामले में, बहुत अच्छे से ट्रेन जो है क्लीन होकर के आई है, ठीक है। और आपको काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस जो है ओवरऑल रहेगा गाड़ी के अंदर। तो हमारी ट्रेन अभी जो है नजीबाबाद जंक्शन पहुँचने वाली है, लगभग 1 घंटा जो है हो गया हमें वहाँ से निकले हुए। ट्रेन में वही अब देखते हैं यहाँ से पब्लिक चढ़ती है नहीं चढ़ती नजीबाबाद जंक्शन से भी। और मैं लग रहा है हमें 1 नंबर पे ले लिया, नहीं 1 नंबर पे नहीं लिया, मोड़ दिया हमें वापस। तो वही जो 3 नंबर पे हमारी जनशताब्दी को लिया गया था ना, वहीं लेंगे ये लोग हमें। हाँ हमको वापस उस तरफ ही टर्न आउट कर दिया गया है। गाड़ी ये लोग या तो 1 पे रिसीव कर रहे हैं या 3 पे रिसीव कर रहे हैं। अब ऐसा ना करो दिल ये जुड़ ना पाए वापस, तेरी माँ तो से सहन जाऊँ। और यहाँ से चढ़ने के लिए भी इस ट्रेन में काफ़ी लोग खड़े हुए हैं एक्चुअली। तो दोस्तों जितना ज़्यादा खाली हमको जो है कोटद्वार मिला था, ठीक उतना ही ज़्यादा भरा हुआ है यहाँ पे जो है हमें नजीबाबाद मिला है। और काफ़ी सारे लोग जो है इस ट्रेन के चढ़े हैं, लेकिन रिजर्वेशन वाले डिब्बों के अंदर दोस्तों कोई भी नहीं चढ़ा, सारे के सारे पब्लिक जो है जनरल डिब्बों के अंदर इसमें जो है चढ़ी है। और मुझे नहीं लगता दिल्ली जाने के लिए इस ट्रेन को कोई यूज़ करेगा, करता भी होगा, ये लोग सारे यहाँ आगे लक्सर रुड़की मेरठ वेरठ जाने वाले ही होंगे। इससे ज़्यादा कि मुझे नहीं लगता कोई जनता इस गाड़ी के अंदर होने वाली है। आप लोग अगर इस ट्रेन में आते हो और सेफ्टी इज़ योर फर्स्ट कंसर्न, देखो वहाँ में व्लॉग बनाना है, मैं इसलिए स्लीपर डब्बा ऑप्ट करा है मैंने, बट आप अगर आते हो सेफ्टी इज़ योर कंसर्न, आप आराम से 3rd AC लो। ट्रेन में सीट अवेलेबिलिटी का कोई इशू नहीं है, स्लीपर में तो आपको सेम डे और 3rd AC में आपको 1 दिन पहले भी सीट बड़े आराम से मिल जाएगी, कोई आपको प्रॉब्लम नहीं आने वाली। डिपार्चर दिखाते हैं आपको यहाँ से। तो दोस्तों ये है नजीबाबाद जंक्शन जो कि पड़ता है मुरादाबाद सहारनपुर मेन लाइन के ऊपर। अब यहाँ से दोस्तों लक्सर जंक्शन के रास्ते एक रास्ता कटता है हरिद्वार ऋषिकेश और देहरादून के लिए भी, वहाँ की तरफ भी आप जा सकते हैं। और स्टेशन पर बिल्कुल सन्नाटा है, ठीक है, सिर्फ ये ट्रेन यहाँ से जा रही है। वैसे तो इस वाले सेक्शन पर और भी ट्रेनें आपको देखने को मिलेंगी,
दोस्तों रात के करीबन 12 बजने वाले हैं और हमारी ट्रेन पहुंच रही है यहाँ पे लक्सर जंक्शन पे। आइए आपको अराइवल दिखाते हैं। तो दोस्तों रात के लगभग 12 बजने वाले हैं और हम मतलब 8 मिनट है 12 बजने में, ठीक है। और हम लोग अभी जो है लक्सर जंक्शन पहुंच गए हैं। यहाँ पे सामने से हमारी आती है हरिद्वार जालकपुर होते हुए जो लाइन आती है वो, और हम एक जो है यहाँ से कट लेंगे टूवर्ड्स रुड़की की तरफ को, और रुड़की से फिर हम लोग लेंगे आपका सहारनपुर बाईपास और पहुँचेंगे टपरी। अब मैं ये सोच रहा हूँ कि दोनों ही स्टेशन में आपको नहीं दिखाऊंगा, बिकॉज ये दोनों स्टेशन ना बहुत ज़्यादा सन्नाटे वाले स्टेशन हैं, एंड कहीं ना कहीं उन स्टेशनों पे गेट खोल के मैं अदर पैसेंजर को अनसेफ नहीं करना चाहता। देखो जहाँ तक गेट खोलना ठीक है, जहाँ तक, क्योंकि एक्चुअली क्या है ना, ये जो इलाका है ना, मतलब जो भी मेरी RPF वगैरह से बात भी होती कभी कभी, ये इलाका थोड़ा सही नहीं है, जो टाइप इलाका है। तो मैं आप लोगों को भी यही कहूँगा कि थोड़ा आप गेट वेट खोलना अवॉइड करो, स्पेशली टपरी में, रुड़की में, ठीक है, रात के समय में या इस जगह में रात में। अभी भी आप देख रहे हो कि मैं आपसे जो भी RF कर रहे हैं हम या जो भी बातचीत कर रहे हैं हम, मैं आपसे स्टेशन टू स्टेशन ही बातचीत कर रहा हूँ। बीच रास्ते में आपको कुछ भी नहीं दिखा रहा, क्यों? बीच रास्ते में आपको ओपन नहीं करना है कुछ भी। अगर आप यहाँ बीच रास्ते में कुछ ओपन करोगे आपके ही सेफ्टी पे कंसर्न आ सकते हैं। तो दोस्तों थोड़ा सा हम लोग जो है सो लिए, सोना भी ज़रूरी था बिकॉज ये रास्ता वाला ठंड वाला और वो था, और इस वक्त इतनी ठंड पड़ रही है, रात के 2:30 बजने को आया। अभी मेरठ गेट का स्किप होगा, स्किप दिखाते हैं आपको, फिर आपको मेरठ का अराइवल भी दिखाएंगे। तो रात के करीबन 2:30 बज चुके हैं और हम लोग मेरठ छावरी यानी मेरठ कैंट के अंदर जो है अराइवल हो रहा है। अब आउटर में लगभग आधा घंटा हमको खड़ा करने के बाद जो कंट्रोलर साहब हैं वो डिसाइड करते हैं कि इस ट्रेन का यहाँ कराते हैं एक ओवरटेक। तो हमको यहाँ पे एक ट्रेन जो है ओवरटेक करेगी, तो हमको लूप किया जा रहा है मेरठ छावनी पे, ठीक है। तो हमारी ट्रेन यहाँ पे एक हॉल्ट लेगी और फिर आपको एक बढ़िया सा ओवरटेक दिखाते हैं यहाँ पे नंदा देवी AC सुपरफास्ट एक्सप्रेस का, जो कि चलती है दोस्तों देहरादून से लेके कोटा के बीच में। आपको एक ओवरटेक दिखाते हैं बढ़िया सा, स्पीड में आ रही है एकदम सन्नाटे में, जी में। नंदा देवी एक्सप्रेस। और दोस्तों इस ट्रेन के निकलते ही हमको भी निकाल दिया जाता है और हम बढ़ रहे हैं अपने नेक्स्ट स्केड्यूल स्टेशन यानी कि मेरठ सिटी की तरफ को। और यहाँ पे ये ट्रेन जो है लगभग 1 घंटे के आसपास जो है लेट हो गई है, पर उस लेट से कोई खास मतलब नहीं है, बिकॉज ट्रेन का स्केड्यूल को इतना लूज़ बना रखा है कि ट्रेन अगर 1-1.5 घंटा या 2 घंटा भी लेट हो गई ना तो भी अपने डेस्टिनेशन पे आपको टाइम से पहुंचती हुई दिख जाएगी। और दूसरा, इसके आगे पीछे कुछ खास ज़्यादा ट्रेनें इस टाइम चल भी नहीं रही होती हैं। एक नंदा देवी एक्सप्रेस थी जिसने हमें ओवरटेक मार दिया, तो अब एक तरीके से हम सेक्शन में खाली भी चल रहे हैं तो भी इतना ज़्यादा दिक्कत नहीं होती है। और दोस्तों आप स्टेशन का जो है नज़ारा देख सकते हैं कि यहाँ पे जो लगने वाली दुकानें वगैरह होती होंगी वो इस वक्त जो है लगभग सारी पैक पड़ी हुई हैं, ज़्यादा कुछ आपको देखने को मिलेगा नहीं। और ये भी अपने आप में बड़ा यूनिक सा नज़ारा होता है, क्योंकि ये आपको सिर्फ उन्हीं ट्रेनों में मिलेगा जिन्हें आप सुबह सुबह अर्ली मॉर्निंग जहाँ पर आप गुजरोगे, जहाँ पर आपको सारा सन्नाटा है। तो ये अपनी गाड़ी जो है मेरठ सिटी पहुँच गई है फाइनली, और नंदा देवी से ओवरटेक खाने के बाद जैसे मैं आपको अभी दिखा रहा था, अब हमको जो है 2 नंबर प्लेटफॉर्म यानी कि मेन लाइन पर रिसीव कर लिया, और मतलब अब यहाँ से ना पिक भी जल्दी करेगी गाड़ी। और सच में अब ना मतलब कहने को छोटा सा सफ़र है, सिर्फ 282 किलोमीटर का बहुत छोटा सा सफ़र है यार, लेकिन अब थोड़ी ठंड भी लग रही है ना, ऐसा मन कर रहा फटाफट हम आनंद विहार पहुँचे, वहाँ से मैं कैब करके घर जाऊँ और कम्बल ओढ़ के सोऊँ
लिटरली बिल्कुल ऐसा ठंड सी लग रही है, पूरी बॉडी कांप गई है। और सच में मेरे से ना बहुत बड़ी नेग्लिजेंस क्या हुई है कि मैंने कुछ भी चीज़ें कैरी नहीं करी हैं ठंड से बचाने के लिए, जैसे कैप वगैरह होती है, एक थोड़ी मोटी चादर होती है, ऐसा कुछ भी कैरी नहीं करा है जिससे भाई प्रॉब्लम आ रही है। तो और अच्छा, एक तरीके से अच्छा भी हुआ नहीं कैरी करा मैंने कुछ, क्यों, अगर मैंने करा होता तो मैं अभी सो रहा होता, आपके साथ ऐसे बात नहीं कर रहा होता या वीडियो नहीं बन रही होती। तो हमारी ट्रेन यहाँ पे जो है मेरठ सिटी जंक्शन से भी निकल रही है, इस स्टेशन को भी जंक्शन कहा जाता है क्योंकि यहाँ से भी दोस्तों हापुड़ के रास्ते कटते हैं जो कि अगेन दिल्ली मुरादाबाद मेन लाइन पे जाके जुड़ते हैं, और हापुड़ से भी रास्ते कटते हैं जो कि अगेन आपको खुर्जा तक जो है लेकर के जाएंगे। निकल सामने जो है एक पैसेंजर खड़ी हुई है जो कि हापुड़ के लिए जाएगी सुबह के वक्त में, तो मेन लाइन पे है, फटाफट से तेज डिपार्चर लिया है, दिखाते हैं आपको। और दोस्तों सामने जो आपको लाइट दिख रही है ना, वो सामने लाइटें पड़ रही है नंदा देवी एक्सप्रेस की, जो कि दोस्तों कोटा देहरादून वाली नंदा देवी एक्सप्रेस है ना, उसका जो है अराइवल हो रहा है यहाँ मेरठ पे। तो दोस्तों वहाँ से निकल के हमारी ट्रेन अभी मुरादनगर पे खड़ी हुई है, और यहाँ पे दोस्तों एक शुगर मिल की फैक्ट्री है। जब भी आपकी ट्रेन यहाँ पे अगर कुछ देर के लिए भी खड़ी हो और आप गेट के बाहर निकल के देखोगे तो आप लिटरली चीनी की जो स्मेल होती है ना उसको फील कर सकते हो। बिल्कुल इस जगह के आसपास ऐसा लगता है कि मतलब आसपास किसी ने चीनी फैला दी हो, बहुत सारी चीनी फैला दी हो, तो एक अच्छा सा जो है स्मेल आती है। प्लस दोस्तों इस ट्रेन का शेड्यूल, हम लोग अहेड ऑफ शेड्यूल चल रहे हैं, इसलिए हमारी ट्रेन को रोक करके हमारा टाइम कंज्यूम करवाया जा रहा है, क्योंकि इस ट्रेन का शेड्यूल जैसे मैंने आपको बताया था ना कि बहुत ज़्यादा लूज़ जो है बना रखा है, तो टाइम कंज्यूम कराएंगे और फिर कहीं जाके हमें अराइवल दिया जाएगा। और ये जो है हमारी ट्रेन अब जो है आनंद विहार पहुंच रही है। रास्ते में बहुत सारी जगह पे दोस्तों मैंने गेट खोल के वीडियोस नहीं निकाली, सेफ्टी इज़ मोर इम्पॉर्टेंट, अंदर और भी लोग सो रहे हैं, अगर कुछ प्रॉब्लम हो जाए तो जाहिर सी बात है मैं उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेना चाहूँगा ना, या मैं नहीं चाहूँगा ना कि मेरे कारण कोई प्रॉब्लम हो, तो आप अराइवल एंजॉय कीजिए। तो दोस्तों फाइनली हम लोग अपनी यात्रा को यहाँ ख़त्म करते हैं, और हमारी ट्रेन को इसको इतना तो इस गाड़ी को इतना ज़्यादा एक्स्ट्रा टाइम जो है दे रखा है कि ये गाड़ी रास्ते में इतना ज़्यादा रुक रुक के आने के बावजूद यहाँ एकदम सही टाइम पर जो है पहुँच जाती है, और आपको लगभग 4:30 या 5:45 तक ये गाड़ी जो है आराम से आनंद विहार जो है उतार देगी, ठीक है। और आप इस ट्रेन की जैसे मैंने शुरुआत में आपको बताया था ना कि भाई टिकट वगैरह में कोई दिक्कत नहीं आती, गाड़ी की साफ़ सफाई बहुत अच्छी है, बस हाँ ये है कि यदि आप ट्रेन में रात को थोड़ा बहुत उठते हैं तो एक पानी की बोतल अपने साथ ज़रूर से रख लेना, क्योंकि एक पानी की बोतल की सुविधा भी आपको रास्ते में जो है नहीं मिलने वाली इस गाड़ी के अंदर, बड़ा ही सुनसान टाइप के रूट से जो है होकर के आती है ये, और मेरठ जब भी पहुँचेगी तब तक आपका कोई मतलब नहीं बनता। तो फिलहाल इस वीडियो में इतने रखते हैं, मैं मिलता हूँ आपसे बहुत जल्द एक और वीडियो में, उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी।